नीली नीली से उड़ गई, चेतावनी भी दी नहीं, पक जाएंगे अपने तीन रूप बदलती है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो गाइस, नई सुबह की नई शुरुआत हो चुकी है। नई शुरुआत आज भाई आपके श्रीनगर से हो रही है और हमें इस टाइम पे गुरुकुल में ही है अभी हम, और सुबह के बच चुके हैं इस टाइम पे 6:20 और वैसे 6 बजे उठ गए थे। अब जल्दी जल्दी अब पैकिंग वुकिंग करते हैं, इधर से आगे के लिए निकलेंगे। उससे पहले भाई अपना चाय पानी पियेंगे, उसके बाद ही सीधा आगे निकला जाए। अपनी पैकिंग चल रही है अभी, तो पैकिंग इधर से करेंगे और ये जो भी अपना भाई बिस्तर बुस्तर है ये भी अब लगा देते हैं, यह स्तंभ का गुरुकुल का, तो यहाँ पे अभी लगा के उसके बाद निकलते हैं। उजाला भी खुल चुका है, तब मिलते हैं आपसे। तो भाई ये भी आ चुका है अपना फ्रेश फ्रेश होके और ये भी तैयार हो रहा है इस टाइम पे। हेलो गाइस, हो गया मैं अब रेडी, अब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट टूर पे जाएंगे हम, बाद में बताएंगे आपको जहाँ हमने जाना है। तो भाई ये था हमारा, एक बार बता दे, ये थे हमारे बेड यहाँ पे और भाई हमने कर दी एकदम क्लोज, मतलब काफी बढ़िया था, है नहीं? बढ़िया था ना, बहुत बढ़िया, मस्त भाई सर। तो भाई फुल रेडी है और अब यहाँ से छोड़ने का वक्त आ चुका है। और ये भगवान शिव का मंदिर, हर महादेव, ये अपनी धनोरानी घर, उसको भी स्टार्ट किया जाएगा। तो भाई मैं इस टाइम आ गया हूँ बाहर पर और भाई सुबह का टाइम, उजाला खुल चुका है, 6 बजे खुल जाता है हल्का, और भाई सुनसान है अभी, कोई नहीं, बस गाड़ी आ रही है बस, बाहर इस टाइम पर पूरा खाली है। और भाई ये था गुरुकुल जहाँ हम रह रहे थे, एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये सामने से मार्केट आता हुआ और ये गोल चौक, यहाँ पे गोल चौक है श्रीनगर का। यहाँ पे लो भाई अपनी गाड़ी आ गई है, भाई लेके आ गया है। श्रीनगर से हम निकल चुके हैं और हमें इधर भाई धारी देवी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, इस वाले रूट पे हम इस टाइम पे, और अभी देखते कहाँ जाना होगा अभी कुछ पता नहीं है, आपको बताते रहेंगे आगे धीरे 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 करके। तो भाई आपको बता देता हूँ, इस टाइम पे हम धारी देवी वाले रूट पे चल रहा हमारा डांस। तो फैमिली गाइस अभी भाई रूट पे लगे, अभी धारी देवी यहाँ से रह गया 5 किलोमीटर और यहाँ पे डैम है, मतलब सामने आप देख रहे होंगे सामने डैम भी। और भाई अलकनंदा देखो, आपको मैं अभी दिखाता हूँ अलकनंदा से, मस्त उड़ गए ना इस टाइम पे, नीली नीली से उड़ गई भाई, वो दिखाते हैं अलकनंदा के नज़ारे। काम ही काम चल रहा भाई इधर, देखो भाई सब पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा भाई इधर श्रीनगर से ऊपर, तो एकदम टनल टूनल बन रही है आगे सामने, वो टनल भी आपके, और देखो वहाँ पर टनल है सामने और ही टनल, तो वहाँ पर टनल टूनल भी बन रही। अब जो भी होगा रेलवे का प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पूरा सारी टनल बन रही है इस तरह से भाई, पूरा देखो अलकनंदा से सड़ता हुआ पूरा। तो गाइस हम पहुंचने वाले बस धारी देवी, पहले तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है सामने, मगर हम रोड के इलाके में तो सिर्फ 1 किलोमीटर है बस घूमी घूम, सामने से तो भाई यूं है सिर्फ 100-200 मीटर और रोड के हिसाब से 1 किलोमीटर है। तो आपको अब दिखाते हैं धारी देवी के दर्शन कराते हैं आपको, और उसके बारे में आपको वहीं जाके बताएंगे। भाई ये है देखो अलकनंदा नदी और वो है धारी, हमारी धारी माता धारी देवी, ये देखो ये आपकी धारी देवी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पे धारी देवी मंदिर और सामने गेट है यहाँ पे भाई प्रसाद गुरसाद की दुकान के लिए। तो भाई हमारी अब यात्रा स्टार्ट हो गई धारी देवी के लिए और भाई हमने प्रसाद लिया यहाँ 50 वाला और भाई पैसे तो हमने अभी दिए नहीं बस सीनस हो गया ना ये देखो, हम भाग जाएंगे बस सीनस हो गया यार, ये खुलने खुला ही नहीं भाई ना, पता नहीं ठंड से आज भी काम नहीं कर रहा भाई, इधर ठंडी हवा चल रही है और भैंस की खुला ही नहीं, तो उन्होंने बोला देर हो, तो उन्होंने बोला कि बाद में दे देना, नहीं भी दोगे तो चलेगा बढ़िया था अंकल जी यार, उन्होंने दे ही दिया अभी। तो अभी हम मंदिर की तरफ, स्कूटी भी हमारी सड़क क्योंकि हमारी स्कूटी भी भाई वहाँ पर नजर रख लेंगे, क्या आते हुए दे देंगे, खुल जाएंगे, कोशिश कर लेंगे थोड़ी देर में। अभी मंदिर की भी अलग से स्थापना कर दी है, जहाँ पुरानी मतलब पुराना था ना मंदिर का, तो अब उन्होंने उसी जगह रख दिए स्थापना करके, 28 तारीख को थी जनवरी जो पुरानी मंदिर थी ना वहाँ स्थापना कर दी थी। तो आपको अभी दिखाते हैं और उसके कहानी आपको बाद में सुनाएंगे उसकी थोड़ी। तो भाई एंट्री हो चुकी है हमारी धारी देवी मंदिर के अंदर। तो भाई यह है हमारा धारी देवी मंदिर नया, जहाँ अभी नई स्थापना हुई थी। तो यह है प्रवेश द्वार यहाँ से धारी देवी का। तो देखो यार अब कितना मस्त है ना, अब क्या अब अच्छा सजा दिया यार। तो भाई क्या भव्य बना रखा है यार, बहुत ही अच्छा लग रहा है यार, अब तो देखने में भी बहुत ही प्यारा।
तो ये हमारी धारी माता, तो भाई नई स्थापना की इस जगह पर सुकून मिल रहा है भाई आके। हम धारी माँ की कहानी आपको थोड़ी देर में सुनाते हैं। तो भाई माता जी ना जैसे सुबह के टाइम, दिन के टाइम, शाम के टाइम अपने तीन रूप बदलती है। सुबह के टाइम अपने बालावस्था, दिन में थोड़ा सा युवावस्था में, और शाम के टाइम थोड़ी वृद्धावस्था में। तो भाई ऐसे रूप बदलती है। कुंड भी यहाँ पे उन्होंने अग्नि जलाई है यहाँ पे। तो गाइस हमारे दर्शन तो हो चुके हैं और काफी अच्छा लग रहा है यार। सुबह सुबह आके तो और ज्यादा मस्त मजा आता है। हवा चल रही है, शुद्ध वातावरण हो गया इधर मस्त। और भाई आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जैसे अभी आपने मंदिर के दर्शन तो कर लिए होंगे अंदर के माता जी के, तो माना जाता है कि धारी देवी को चार धाम की रक्षक माना जाता है धारी देवी को। अब जाके भाई 2023 में जाके शुरू में जनवरी 28 तारीख को स्थापना हुई थी पुरानी जगह पे। अब स्थापना कर दिए, जैसे कि आपने देख लिया होगा अभी जो पहला वाला मंदिर था आपको वो भी दिखा देंगे। माता रानी भाई अब खुश हो गई होगी अपनी जगह में आके, जो पहले काम कर रहे थे ना ऐसे। तो भाई ऐसा भी होता है भाई, तो हर चीज़ को मतलब ऐसे नहीं लेना चाहिए कि कुछ नहीं है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। पहले ये चीज़ ना होती तो भाई ऐसा ना होती, ऐसी त्रासदी नहीं होती केदारनाथ की। बोलते हैं लोग कि इस तरह से जो मूर्ति उठाई गई थी तो ऐसी आपदा हुई थी उस टाइम पे। तो ऐसा था कि धूप ऐसा कोई नहीं था कि बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, मतलब भाई एकदम हुआ। और भाई दिन के टाइम पे ही बाढ़ आ गई बहुत तकड़ी। और जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। और आपको लेके चलते हैं अब दूसरे मंदिर। तो भाई साइड में तो यहाँ तो इन्होंने ताला लगा दिया। जो हम यहाँ से आते थे ना पहले लाइन लगा के अंदर जाते थे इस मंदिर में, तो भाई यहाँ तो अब ताला लग चुका है और मतलब कुछ नहीं। आप ऐसे देख लेंगे, ये देखो यहाँ तो रहती थी पहले माता रानी की मूर्तियाँ, इस जगह पर स्थापना करी थी। और अब आ चुकी है हमारे नए मंदिर पर इस जगह पर। तो ये भाई यहाँ से हम बाहर आ रहे हैं, यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं। ये निकासी द्वार है इधर से, और उधर से प्रवेश द्वार है अंदर के लिए। और इस तरह से है भाई पूरा लुक मतलब मंदिर का देखो। तो हमको भी भाई बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा अच्छा? मजा। तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह इसलिए हमने बोला यार सुबह निकल जाएंगे, 6 बजे हम उठ गए थे, 6:30 बजे हमने वहाँ से निकल गए थे श्रीनगर से। और उसके बाद लगभग हम 7:15 आराम से रुकते आए, 7:30 बज गए हमको यहाँ आते मस्त से। हमने रुकते आराम से, और इधर हमारे दर्शन भी हो गए सुबह सुबह। तो श्रद्धालु भी लोग भी आ रहे हैं इधर से, मतलब अभी कम है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो लोग भी आते रहते काफ़ी लोग आते रहते हैं। नई स्थापना भी हो रही तो उसके लिए भी लोग थोड़ा बहुत उत्साहित रहता है कि भाई अब कैसे लग रही है मंदिर, किस तरह से। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा भाई आके। हमने भाई पहले वीडियो में ही देखा था कि स्थापना हो चुकी है हमने उसमें, तो आज हमने बोला हम भी दर्शन करके आएंगे। तो हमको भी बहुत 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 अच्छा लगा यार। और आप लोग भी ज़रूर आना इस बार देखने के लिए माता रानी के नई स्थापना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और बहुत अच्छा है यार, डेकोरेशन भी बहुत अच्छी कर रखी है। देखो ग्रीन मैट लगा रखे ना इस तरह से पूरे उसमें मतलब ऊपर तक, बहुत ही अच्छा और गंदा था। तो भाई हमारे यहाँ पे अच्छे से दर्शन हो चुके हैं और मज़ा आ गया भाई पहली बार देख के, मतलब पहली बार तो क्या पहली बार कहूँ, मतलब स्थापना देख के, मतलब यहाँ पे दूसरे मंदिर पर। तो काफ़ी अच्छा लगा यार, सुकून मिला यहाँ पर आके। और अब लोग भी आने लग गए हैं धीरे धीरे। हमारे पहले कुछ ही लोग थे, 2-4 लोग वहाँ पर ही, और अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होते जा रही है श्रद्धालुओं की। टाइम इस टाइम 8:30 हो गया है और अब हम जा रहे हैं भाई ऊपर के लिए। अभी उनको पैसे भी देने हैं यार, उनको पैसे पूछे देंगे उसके बाद निकलेंगे कहीं और। तो भाई सीन ऐसा है, अब पहुंच चुके हैं कल वाले भोजनालय पे दोबारा। तो इधर भोजनालय का, तो भाई इधर नाश्ता चल रहा है हमारा, तो अभी हमने नाश्ता करा रखा है। तो अभी नाश्ता आएगा अपना रोटी और राजमा की दाल। तो भाई अभी नाश्ता करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से राजमा के दादा, हाँ, और उसके बाद कहीं और चलेंगे। बस धीरे धीरे आपको पता चलते रहेगा हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अपनी रोटी आ चुकी है और ये अपनी राजमा।